ही करो चल के, एप्पल एप्पल बी फॉर बॉल। चलो इधर बोले हेलो फ्रेंड्स, बोलो आप। चलो हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे, सब भले चंगे होंगे। और आज मालूम है क्या हुआ, जो तीज वाला आज वीडियो गया तो क्या हुआ कि मैंने पहले एक कम्युनिटी पोस्ट की कि 10 मिनट बाद ब्लॉग आने वाला है। मैंने जैसे ही वीडियो अपलोड किया वैसे ही क्या हुआ, उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा 15 सेकंड का गाना डाल दिया था। उस 15 सेकंड के म्यूजिक गाने की वजह से उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया। फिर क्या, उसका जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन नहीं हुआ, मतलब जो एड वगैरह आते हैं वीडियो में वो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने, या तो मैं ये करती कि जैसे क्लेम आ गया तो वीडियो डिलीट करती और उसका म्यूजिक हटाती और दोबारा से अपलोड कर देती, तो मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता। लेकिन मैंने आप लोगों से बोल दिया था कि 10 मिनट बाद वीडियो आएगा तो आएगा, इसलिए मैंने उसको बिना मोनेटाइजेशन के, मैंने कहा तीज का वीडियो है तो फिर मैंने उसको वैसे के वैसा छोड़ दिया। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग कह रहे थे कि दी आज हरी ताल का तीज नहीं है, आज हरियाली तीज है, तो ये चीज़ मुझे भी मालूम थी। मैं दिन में कई बार बोली थी हरियाली तीज, लेकिन पता है वीडियो के टाइम पे कहीं और दिमाग होगा या तो अयान में कहीं दिमाग लगा होगा, तो मैं बोल गई होंगी हरी ताल का तीज। तो फिर बाद में जब मैंने आप लोगों के कॉमेंट पढ़े तो मैंने कहा मैंने ऐसा बोला है क्या, मैं पहले एक बार देखती हूँ, तो मैंने सच में बोला था। हाँ, एप्पल की स्पेलिंग बताओ। और ये आते जा रहे हैं अभी ऑफिस से, और मैं बैठी थी अयान को कुछ पढ़ाने के लिए, इसको सिखाने के लिए। लेकिन बहुत मुश्किल होता है इसको कुछ सिखाना पढ़ाना, क्योंकि एक जगह बैठे तब तो इसको सिखा पाए, जब बैठते ही नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर चाय बना, और आप में से किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि दी जब आप चाय बनाया करो तो चीनी बाद में डाला करो, क्योंकि चीनी पहले डालते हैं तो नुकसान करती है। लेकिन जब तक मुझे वो बात याद आती है तब तक मैं चीनी डाल चुकी होती हूँ, और आज भी जब मैं वो चीनी डाल चुकी तब मुझे याद आया कि चीनी बाद में डालते, तो फिर वही आदत पड़ चुकी है शुरू से। मुझे पहले नहीं पता था कि ये नुकसान करती है। और ये देखिए, मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो अदरक आती है ना, ये बहुत बड़ी आती है, मैंने यहीं देखी है, ये हमारे यहाँ नहीं आती है, और कहाँ कहाँ आती है मुझे नहीं पता। एकदम ऐसी लगती है ना जैसे हल्दी की बहुत बड़ी बड़ी गांठ होती है ना, सेम वैसी अदरक आती है यहाँ पे। तो मैं वही चीज़ दिखा रही थी अभी, मेरे हाथ में थी तो वहाँ पे मैंने तुलसी की पत्ती भी डाली है चाय में, क्योंकि गला ख़राब हो रहा है। और साथ में चाय के साथ मैं बना रही हूँ चने, भुने हुए चने रखे थे, इसमें मैं डालूँगी प्याज, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, चाट मसाला, ये सब, नींबू का रस, ये सब डाल के बनाएंगे, क्योंकि शाम को चाय के साथ थोड़ा सा हो जाएगा। मतलब नमकीन बिस्किट से तो ठीक ही है ना, ये घर पे बना ले, क्योंकि चने तो वैसे भी फ़ायदा करते हैं। और ये मखाने का पैकेट रखा था बाहर, तो ये भी नंदनी उठा लाई है, तो ये थोड़े से मखाने फ्राई कर लेगी, क्योंकि ये अयान खा लेगा, क्योंकि जब से ये बीमार हुआ है ना तो इसने बिल्कुल खाना ही छोड़ दिया है, खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, बहुत कम खा रहा है, क्योंकि इसको भी अजीब सा लग रहा होगा अंदर से। तो ये मखाने भून के एक डिब्बे में भर के रख देगी, तो जब ये से दो चार देते रहे तो ये मखाने फ़ायदे भी करेंगे। और ये क्या, चने अगर खाने को दो ना तो चने ये छिलकों की वजह से खाता ही नहीं है, इसके दांत में फंस जाते हैं, तो इस वजह से नहीं खाता ये चने वगैरह। तो यहाँ पर महानंदी फ्राई करके मखाने, घी और नमक डाल के फ्राई किए हैं। और जब तक चाय वगैरह तैयार हुई सब कुछ, ये रखे हैं चने, ये रखे हैं चाय, और ये खड़ी है टॉर्च वाली, नहीं तो वो भी नहीं दिखते क्योंकि लाइट चली गई है, टॉर्च वाली दिख नहीं रही है। चलो आया, लाओ कैंडल लाइट बनाएंगे, लाओ। नहीं छोड़ूंगी, वो वाली फीलिंग आ रही है एग्जॉस्ट। और मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट हूँ। अरे यार मोमबत्ती थोड़ी खा रही है। अरे अपनी तीन है ना, अपनी अपनी रखो, ऐसा लग रहा है। मैंने इनसे बोला कि सब लोग कैंडल लाइट डिनर जैसे करते हैं, वैसे हम कैंडल लाइट चाय करेंगे, तो ये सबको डराने ही बैठ गए। तब तक लाइट आ गई, क्योंकि मैं एक कैंडल निकाल रही थी, वो तीन हाथ में आ गई, मैंने तीनों ही जला दी। लाइट आ चुकी है। और अभी मैं जा रही हूँ सूजी के डोसे बनाने, क्योंकि सूजी के डोसे ऐसे होते हैं ना कि पहले से दाल वगैरह तैयार ना हो तो फटाफट बन जाते हैं, उसके लिए मैंने आलू पहले ही रख दिए हैं बॉइल होने के लिए। और सबका मन है, खाने का सामान सारा है, क्योंकि सूजी के डोसे बनाने में ऐसा कोई सामान नहीं लगता है जो घर पे ना हो, मतलब सारी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, डोसे बनाएंगे आज। तो यहाँ
यहाँ पर सूजी के डोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए सूजी। ये मोटी वाली सूजी है लेकिन घर में जो सूजी हो उससे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी सूजी ली है और इसके बाद इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। और इसको मिक्सी में थोड़ा 1-2 बार चला के पीसने के बाद में ये देखिए थोड़ा महीन हो गई है। एकदम महीन तो नहीं हुई है लेकिन हल्की हल्की महीन हो गई है। तब मैंने डाल दिया है इसमें दही और दही को भी मिला देंगे। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी लगभग 2-3 चम्मच आटा, गेहूं का आटा। और उसके बाद डाल दिया है नमक और बस अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और एक बार मिक्सी को फिर से चला देंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, पूरा एक जैसा हो जाए ये। तो इस सूजी के डोसे हैं ना, इसमें ना तो दाल लगनी है ना चावल पहले से गला के रखने हैं, झटपट डोसे बनाने हो तो ये आराम से बन जाते हैं। और बस इसको अब एक साइड रख देंगे, तब तक हम आलू मसाला वगैरह बना लेंगे। आलू तो मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे और अभी ये बिल्कुल गर्म ही हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये है तुम्हारे लिए मैगजीन वनिता, ये है मेरे लिए मैगजीन द वीक इंडिया टुडे। मिली नहीं मुझे तो ये रॉड किस लिए लाए हो? ये रॉड नहीं है, ये डंडा है। डंडा आयान के लिए तो डंडा, सही में डंडा है। ओहो, ये है भारत का नक्शा, वर्ल्ड का, नहीं वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप? यस। वाओ, एक्चुअली मैं ऑनलाइन देख रहा था बहुत दिन से, इस साइज का अवेलेबल नहीं था ऑनलाइन। मैं कई महीने सोच रहा हूँ मंगाने का लेकिन यार मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि किसी स्टेशनरी की बड़ी शॉप पे जाके भी मिल जाएगा मुझे। तो आज मैं गया था मैगजीन लेने, मैं नॉर्मली जाता रहता हूँ मैगजीन लेने। आयान को पता होता ना कि मेरा खिलौना है तभी आता, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मैप में, वो भाग गया, उसको पता चल गया मेरे काम की चीज़ नहीं है। और यहाँ पर आलू मसाले का सामान भी मैंने तैयार कर लिया है, ये सारे मसाले रखे हैं, प्याज, हरी मिर्च, दाल वगैरह। तो बस कढ़ाई में लिया थोड़ा सा ऑयल, ऑयल गर्म हो गया तो डाल दिए थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी उड़द की दाल और राई, जीरा, ये सब चीज़ें डाल दी हैं जैसे बाजार में मिलता है ना आलू मसाला वैसे ही। और बस हरी मिर्च, प्याज, करी पत्ता, ये सब डाल दिए। और बस जब प्याज लगभग 70% फ्राई हो गई है तब मैंने इसमें आलू डाल दिए तोड़ के, और उसके बाद में थोड़ा सा हल्दी, मिर्च वगैरह डाल दिए और बस धनिया की पत्ती डाल दी और थोड़ा सा डाल देंगे नींबू का रस। तो बस हमारे ये आलू मसाला तैयार हो गया है। अब बनानी है चटनी, तो इसी कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया है क्योंकि जब ऐसी कोई चीज़ें बनाए ना तो साथ ही साथ बर्तन धोते रहें तो ठीक रहता है, वरना जब खा पी के फ्री होते खाने में तो बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें, लेकिन बर्तन बहुत इकट्ठे हो जाते हैं अगर ध्यान ना दो। तो मैं उन्हीं को धो के साथ ही साथ में उन्हीं में बनाती चलती हूँ। तो उसी कढ़ाई को धो के मैंने थोड़ी सी चने की दाल ले ली है, इसको धो लिया है, धुली हुई चने की दाल है, और इसी में डाल दिया है थोड़ा सा नारियल काट के। और जब दाल लगभग आधे से ज़्यादा भुन गई थी तब मैंने इसमें नारियल डाला था। उसके बाद सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा भी भून लिया है इसी में। और बस सारी चीज़ें जब ठंडी हो गई हैं तब मैंने इसको जार में डाल के थोड़ा सा इमली डाल दी है, थोड़ी सी अदरक डाल दी है और बस नमक और पानी मिला के इसको पीस लेना है। तो ये हमारी चटनी भी झटपट तैयार हो गई है और इसमें लगा देंगे हम तड़का। ये देखिए चटनी कभी भी कम बनाने जाओ ना लेकिन ये ज़्यादा ही हो जाती है क्योंकि नारियल में भी, नारियल और चने की दाल में पानी बहुत पड़ता है चटनी बनाने में। और तड़के में मैंने वही उड़द की दाल, थोड़ी सी राई, करी पत्ता, जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के तड़का लगा दिया है। तो ये चटनी भी तैयार हो गई, आलू मसाला भी तैयार हो गया, तब तक हमारी सूजी भी तैयार हो गई है, मतलब फूल चुकी है इतने देर रखे हुए। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा मीठा सोडा, खाने वाला बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, या फिर इनो डाल दें या फिर कुछ ना डालें तो 1-2 घंटे पहले से रखी हो सूजी ताकि अच्छे से फूल जाए। और बस सबको अच्छे से मिला दिया है, थोड़ा सा पानी और डाल दिया है क्योंकि ये थिक हो गई थी सूजी रखे हुए। और अब मैंने चढ़ा दिया है तवा, तवे में लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल। और अभी मैं पहला वाला डोसा बनाने जा रही हूँ इसलिए मैं हंस रही थी क्योंकि जब पहला डोसा बनाते हैं ना तो पहला समझ लो ट्रायल होता है, वो बिगड़ने के बहुत चांस होते हैं। तो मैं यहाँ पर पहला वाला डोसा डालूंगी, तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था तो इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है पानी से। और बस लेकिन पहला डोसा भी हमारा ख़राब नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा मोटा है तो मैंने सूजी को और पतला कर लिया ताकि आगे से जो भी डोसे बने वो पतले पतले बने, वैसे कुछ ज़्यादा खास मोटा नहीं है।
तो मैं गरम गरम सेकती जा रही थी, तो मैंने कहा ये रखे क्यों रहेंगे, क्योंकि डोसे अगर मैं पूरे सेकने बैठ जाऊंगी तब तक पहले वाले ठंडे हो जाएंगे, और करारे करारे गरम ही अच्छे लगते हैं। तो फिर नंदिनी यहाँ पर लगा ले रही है अपने मौसा जी की प्लेट और अपनी, मैंने कहा तुम लोग खा लो और जब तक जब लास्ट वाले सेकेंगे वो मेरे लिए हो जाएंगे। तो ये देखिए गर्मा गर्म डोसे, चटनी और ये मसाला, आ जाइए आप लोग भी ट्राई करिए, अभी मैं तो बना रही हूँ। लास्ट वाले भी बन चुके, तो मैंने अपनी थाली भी लगा ली है। अभी ये लोग खा ही रहे हैं क्योंकि टीवी देख देख के खा रहे हैं, तो बड़े आराम आराम से, तो मैं भी जाके शामिल हो जाती हूँ और आप लोग भी फिर से आ जाइए शामिल होने। तो हम लोग इंजॉय करते हैं डोसे। हेलो गुड मॉर्निंग, और आज मेरी हालत देखिए क्या हो रही है, क्योंकि मालूम है मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना पूरा गला जैसे गले में मिर्ची जल रही हो, जिसकी वजह से ना एकदम सूखा सूखा सा, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी बहुत ज्यादा, तो जिसकी वजह से मैं अच्छे से पूरी रात सो भी नहीं पाई। मैं अदरक का टुकड़ा मैंने मुंह में रखा उसके बाद सोई, क्योंकि रात में 12 से ज्यादा बज गए थे, और फिर मैं अदरक और शहद भी ले सकती थी, लेकिन आज है फ्राइडे तो मैंने कहा पता नहीं शहद व्रत में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो फिर मैंने अदरक और शहद का जूस तो नहीं लिया निकाल के, खाली अदरक का टुकड़ा मुंह में डाल दिया, उसी टुकड़े को मुंह पे रख के ऐसे ही सो गई ताकि थोड़ा सा राहत मिले गले में, क्योंकि ये सबको हुआ था ना ये सर्दी कोल्ड और जुखाम, हमारी नंदिनी ने शुरुआत की थी, उसके बाद अयान को हुआ, अयान अब मेरे साथ रहता है तो उससे मुझे भी हो गया होगा, मुझे पता नहीं चला, जुखाम तो नहीं पता चली, लेकिन जब ये गला खराब हुआ है तब मुझे पता चला है, तो इसी चक्कर में। और आज क्या है, आज फ्राइडे भी है और है नाग पंचमी, तो आप सब लोगों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मेरा ये वीडियो भी एडिट नहीं हुआ है तो पता नहीं कितने बजे तक जा पाएगा, क्योंकि मुझे फ्राइडे की पूजा करनी है, नाग पंचमी का भी करना है, तो थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड कर दूं मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे काम भी निपटाने हैं। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे फिर से याद आ गया तीज वाली, वो बहुत आप लोग कमेंट कर रहे हैं मत करना, वो धोखे से मैंने बोल दिया था, बाय।